इस वक्त मैं हूँ मैहर में। आपको पीछे माँ शारदा देवी का मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी दूर है और काफ़ी ऊंचाई पे है। अभी तो सुबह के 3 बज रहे हैं। चलिए मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों, अभी इस वक्त हम जो है प्रसाद ले चुके हैं और अब जाने वाले हैं देवी जी के दर्शन करने और यहाँ से जो है लाइन में लगना होगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। अभी इस वक्त जो है समय हो रहा है सुबह के 4:30 हो रहे हैं और हमारे जितने भी मित्रगण हैं सब जो है प्रसाद ले चुके हैं, तो चलिए आगे मिलते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं माँ शारदा परिवेश। तो दोस्तों, आपको जो पीछे द्वार दिखाई दे रहा है वहाँ से जो है सीढ़ी प्रारंभ होती है। अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से करीब 15-20 मीटर की दूरी होगी और यहाँ पे जो है श्रद्धालु लाइन में लगकर सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है वहीं पे माता जी की मूर्ति स्थापित है। अभी वहाँ पे ताला लगा हुआ है और ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है जहाँ पे माँ का मंदिर बना हुआ है। A few moments later. तो दोस्तों, गेट खुल चुका है और हम लोग अब सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, करीब करीब 15 मिनट के चढ़ने के बाद हम लोग थक चुके हैं और अभी हम लगभग 700 सीढ़ियों के आसपास चढ़ चुके हैं, तो अभी हम थोड़ा सा आराम करते हैं फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे मिलते हैं वीडियो। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और यहाँ पे दोस्तों ठंडी बहुत लग रही है क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे हैं और बहुत ठंडी हवा चल रही है। चलिए आपको दिखाते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। करीब जो है आपको दिखाई दे रहा है 1045 सीढ़ियाँ टोटल हैं। उसके बाद जो है माँ शारदा जी का मंदिर वहाँ पे है। अभी मंदिर खुलने का टाइम जो है करीब करीब 7 बजे का है, तो मैंने यहाँ पे बैठ के जो है थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर जैसे मंदिर खुलेगा तो आपको माँ का दर्शन कराएंगे। चले मिलते हैं वीडियो में, बने रहिए आगे। A few moments later. तो गेट खुल चुका है और ये भीड़ बहुत सारी है, तो आप लोग वीडियो में इसी तरह बने रहिए। आपको जो है जय माता दी।
तो दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल से फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना मना है। तो अभी मैं आपको गेट के बाहर से ही दिखा देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि माँ के दर्शन आपको ज़रूर कराऊँ। चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो व्यू है कहीं पर दिखाई देता है कि कितना अच्छा डेस्टिनेशन है। और दोस्तों सॉरी चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा पाया हूँ, तो वीडियो इसी तरह बने रहिए और देखें कितना अच्छा मेरे पीछे वाला व्यू है, बढ़िया नज़ारा है। और देखिए पूरा मंदिर का नज़ारा है पीछे आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ जिससे आपको देख के पसंद आएगा। तो दोस्तों अभी मैं हूँ त्रिकूट पर्वत पर, जहाँ की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर माँ शारदा देवी का मंदिर है। दोस्तों अगर शहर से मध्य से हम यहाँ की ऊंचाई की माप करते हैं तो यह दोस्तों लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों मैहर में शारदा माँ का प्रसिद्ध मंदिर जो है, जो कि कैमूर व बिंध की पर्वत श्रेणियों की गोद में अटखेलियाँ करती तमसा के तट पर त्रिकूट पर्वत की ऊंची मालाओं के मध्य, जो कि 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों यह ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। यह एक सतयुग के प्रमुख अवतार नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से भी विख्यात है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आलाखंड के नायक आला व उदल दोनों भाई माँ शारदा के अनन्य उपासक थे। पर्वत की तलहटी में आल्हा का तालाब हुआ अखाड़ा आज भी विद्यमान है, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आगे। दोस्तों जहाँ तक हजारों साल पहले की बात है कि रस्सियों की मदद से परिवहन की समस्या को पहले ही हल किया जा रहा था, लेकिन आधुनिक रोपवे ने 19वीं शताब्दी में अपनी जगह बना ली। आपको दिखाऊँ तो देखिए अभी थोड़ा कड्डू भी है, तो कुछ बेहद खराब नज़ारा नहीं आ पा रहा होगा, ये पूरा पत्थर फंसा हुआ है और एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। चलिए आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको और भी चीज़ें हैं तो घुमाने वाला हूँ। दोस्तों रोप वे एक अंतहीन हवाई केबल होता है जो एक स्थिर इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा घुमाई जाती है और इसका उपयोग माल या यात्री के परिवहन के लिए किया जाता है। भाई हम लोग वापस आ गए हैं दर्शन करके और माता रानी के पे बिल्कुल चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।